नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल हिंदू गर्ल्स और बॉयज स्कूल में कक्षा 6, 9 और 11 में दाखिले के लिए बुधवार से प्रवेश परीक्षाएं शुरू हो गईं। 28 अप्रैल तक चलने वाली प्रवेश परीक्षा के पहले दिन कक्षा 11 में कड़ा वाणिज्य और जीव विज्ञान समूह के लिए परीक्षाएं कराई गईं। दो पाली में होने वाली इस परीक्षा में वाराणसी और आसपास जिले के कुल 21,000 अभ्यर्थी शामिल रहे। बता दें कि इस बार 700 सीटों के लिए 1,33,777 आवेदन आए हैं, जहां पहले दिन पहली पाली में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बीएचयू कैंपस में बने 6 केंद्रों पर 6,807 परीक्षार्थी परीक्षा दिए। वहीं जहां कुछ परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर इजी रहा, उम्मीद है हो जाएगा, वहीं अन्य का कहना रहा कि सीटें कम है इसलिए चांस भी कम है। बहुत नॉर्मल जो पूछने लायक है। क्या उम्मीदें लग रही है कि इस बार सीटें निकल जाएंगी? सीटें तो लाखों करोड़ों भरे हुए हैं, उम्मीद सीट भी कम है, कैसे निकलेंगे देखा जाएगा। मुझे कोई हार्ड वर्क नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा कुछ लगा, संडे कुछ लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। निकल मैं जो जो बच्चा पढ़ा है उसके लिए निकल जाएगा, लेकिन कम सीटें हैं इसलिए उम्मीद ज़्यादा नहीं है, अगर हो सके तो निकल सकता। क्या उम्मीदें लग रहे हैं कि इस बार आपके एग्जाम में कितना नंबर आएगा? इस एग्जाम तो बहुत अच्छा गया बट सीटें तो कम है, इसीलिए मुझे उम्मीद उत्पन्न हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में रेप की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान पर मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क उठे। पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए वाराणसी नगर के लहराबीर चौराहे स्थित आजाद पार्क पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश की, मगर पुलिसकर्मियों ने पुतले को छीन लिया। इस दौरान पुलिसकर्मी व कार्यकर्ताओं के बीच झड़प व हाथापाई भी हुई। मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बेटियों के साथ हो रही रेप की घटनाओं पर ओछे बयान दे रही, इस शर्मनाक स्थिति को क्या कहा जा सकता है? जब केंद्रीय मंत्री यह कह रहे तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, तो आम जन को क्या कहा जाए? आज मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार में विद्यमान है, माननीय अश्विनी चौबे जी वाराणसी आए थे और एयरपोर्ट पर उन्होंने हमारे नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी के बारे में अनर्गल प्रहलाद किया है और ऐसी बयानबाजी किया है जिसका जवाब आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस आज़ाद पार्क के सामने लहराबीर चौराहे पर दिया है। उनका जनाजा उठाकर फूंक कर उन्होंने हमारे नेता के बारे में कहा है कि 2019 का सपना न देखे राहुल गांधी। अब अगर प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं तो 2019 में उनको 4 आदमी नहीं मिलेंगे। आज हम कांग्रेस जन उनका जनाजा निकाले हैं, माननीय अश्विनी चौबे जी का। ये भारतीय संविधान की के रक्षक हैं जो आज इस तरह के बयानबाजी कर पूरे देश को शर्मसार कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के दनाव गांव में पीएम आवास योजना में धांधली का मामला प्रकाश में आया, जहां ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर धांधली करने का आरोप लगाया है। जी हां, ग्रामीणों ने प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों का पीएम आवास योजना की पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद ग्राम प्रधानों द्वारा हम नगरवासियों से पैसे की मांग की गई एवं पैसे देने के 2 वर्ष बाद भी आवास बनवाने में हीला हवाली की जा रही, जिससे हम सभी काफी क्षुब्ध हैं। वहीं जब इस मामले की हकीकत जानने के लिए पत्रकारों की टीम मंगलवार को गांव पहुंची तो ग्राम प्रधान के गुर्गों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया एवं उनको इसका अंजाम भुगतने तक की भी धमकी दे डाली। जनाब, ये वास्तविक हाल है केंद्रीय राज्य मंत्री के संसदीय क्षेत्र का, जहां लोकतंत्र के 4वें स्तंभ के प्रहरी सुरक्षित नहीं तो आमजन का क्या कहें। इस बाबत जब ग्राम प्रधान से बातचीत की गई तो वह हिला हवाली करने लगा एवं कहा कि लिस्ट में नाम आने पर आवास मिल जाएगा। मैंने इनका 1 रुपया भी मुझको नहीं दिए है, ये मुझे आरोप लगा रहे हैं। मैं इनके साथ चुनाव हमारे कंपटीशन में लड़े थे, मैं इनका शौचालय 4 ठे बनवाया हूँ, मुझे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इनकी दुश्मनी साध रहे हैं कि मैं प्रधान को फंसाऊं और मुझे कोई 1 रुपया भी नहीं दिया है। अच्छा, क्या इनकी पात्रता श्रेणी में नाम है आवास योजना में? पात्रता श्रेणी में है नाम। हाँ, तो अभी तक इनका बना क्यों नहीं, इस पर क्या कहना है आपका? इसलिए नहीं बना कि अभी तो हमारे गाँव में बहुत से आवास बाकी है। हाँ, बनने के लिए। हाँ, अब बनेगा। अभी आवास आपके यहाँ कुछ आया है गांव में? नहीं, अभी तो नहीं आया है। साला 2 साल से हमने परसा गांव है, 2 साल से हमसे पैसा लिया है। कौन लिया पैसा? प्रधान जी। कितना दिए हैं प्रधान को आप? 5,000।
किस लिए? आवास के लिए, कह रहा है कला वीडियो अधिकारी मांग रहा है कला खर्च अपना के, तो हम दिया है कार्ड के पैसा। प्रधान कौन है आगे? राजन। राजन तो क्या अभी पैसा कितना दिन हुआ देने आप दिया आपको? दो साल। दो साल से प्रधान क्या कर रहा है आपको फिर? हम लोग जा रहे थे बनी बनी बनी। तो अभी आप लोग कहाँ रह रही हैं फिर? इस समय हमने तिरपाल में रहा है। वाराणसी के महात्मा गांधी कांस्य विद्यापीठ के प्रांगण में बुधवार को अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा में उच्चकृत भाषा प्रयोगशाला का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग ने किया। इसके पश्चात छात्राओं ने कुल गीत की प्रस्तुति की। इस मौके पर सभी को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि भाषा प्रयोगशाला भाषा को सीखने के लिए अत्यंत उपयोगी होगी, इससे शिक्षक व छात्र दोनों को लाभ मिलेगा। आज जो है अंग्रेजी भाषा के उच्चीकरण अंग्रेजी लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय कुलपति जी ने किया। यह लैब का उद्घाटन 2011 में किया गया था, लेकिन उस समय लैब का वास्तविक जो है कि सही रूप में वह नहीं दिखाई पड़ रहा था। इस प्रकार रूसा के तत्वावधान में यह इस लैब का उच्चीकरण किया गया, जिसमें कि नए नए सॉफ्टवेयर से लैब को सुसज्जित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हंगामा न्यूज़। नमस्कार।